नमस्कार सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी का बच्चों से बड़ा स्नेह था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। बच्चों के प्रति उनके इस स्नेह भाव के कारण बच्चे भी उनसे बेहद लगाव प्रेम रखते थे और उन्हें चाचा नेहरू करके पुकारते थे। यही कारण है कि नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे नेहरू जयंती कहें या फिर बाल दिवस, यह दिन पूर्णतः बच्चों के लिए समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से बच्चों के लिए कार्यक्रम एवं खेलकूद से जुड़े आयोजन होते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं, ऐसे बीज के समान हैं जिन्हें दिया गया पोषण उनके विकास और गुणवत्ता का निर्धारण करेगा। यही कारण है कि इस दिन बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे शिक्षा, संस्कार, उनकी सेहत, मानसिक और शारीरिक विकास जरूरी विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। कई स्कूलों संस्थाओं में बाल मेला एवं प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं ताकि बच्चों की क्षमता और प्रतिभा को और बढ़ावा मिले। इस दिन विशेष रूप से गरीब बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने एवं बाल श्रम एवं बाल शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। बच्चे नाजुक मन के होते हैं और हर छोटी चीज या बात उनके दिमाग पर असर डालती है। उनका आज देश के आने वाले कल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके क्रियाकलापों, उन्हें दिए जाने वाले ज्ञान और संस्कारों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। बच्चों को सही शिक्षा, पोषण, संस्कार मिले, यह देश हित के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज के ये बच्चे कल का भविष्य हैं। सत्यात्रा ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद।